अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सऊदी अरेबिया में आप जावी सिम को ऑनलाइन से किस तरह ऑर्डर कर सकते हो। सिम आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और पैकेज के आपने पैसे देने होंगे। और आपने ये ऑर्डर किस तरह करना है इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जाने। तो सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे रिसर्च में आपने जावी टाइप कर लेना है। जावी टाइप करने के बाद फिर आपने इसे रिसर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला ऐप आएगा, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरा पहले से डाउनलोड है तो फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा और फिर यहाँ से आपने गेट ए न्यू सिम, आपने यहाँ नीचे गेट ए न्यू सिम पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और फिर यहाँ से जो भी आपको पैकेज करना है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं, आप यहाँ से कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये वाला पैकेज सिलेक्ट करूँगा तो इस पर आपने बाय पे क्लिक कर लेना है। बाय पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको डिटेल्स शो होंगे, आपको कितना GB मिलेगा, कितने मिनट्स मिलेंगे जिससे आप कॉल कर सको। तो फिर यहाँ से आपने बाय नाउ पे क्लिक कर लेना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ से अपना इंटर योर मोबाइल नंबर, आपने अपना जो आपके पास नंबर होगा आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने वैलिडेट, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो आपने नंबर इंटर किया था उस पर मैसेज आएगा, आपने वो कोड यहाँ पर इंटर कर लेने हैं। कोड इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेज पर आ जाओगे। और यहाँ से अगर आप एग्जिस्टिंग नंबर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपने नया नंबर चाहिए तो आपने गेट अ न्यू नंबर पे क्लिक कर लेना है। गेट अ न्यू नंबर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आपके सामने बहुत सारे नंबर शो होंगे, यहाँ से आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो। जो भी आपका दिल करे आप वो वाला नंबर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स होंगे, ये STC के हैं। तो फिर यहाँ से आपने अपना नंबर सेलेक्ट कर लेना है और उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से सिलेक्ट न्यू नंबर पे आपने दोबारा क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने आपका नंबर शो हो रहे होंगे, आपने यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपने अपना एकामा नंबर, जो भी आपका एकामा नंबर होगा आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। एकामा नंबर इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आपने अपने एकामा पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपने यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ इकामा पे होगा आपने वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लेना है। ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से अपना डे सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने डन पे क्लिक कर लेना है। डन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर जो आपने पहले इंटर किया था आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने सेंड OTP, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, आपने वो OTP यहाँ पर इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे कंटिन्यू होगा, आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा और अब आपने यहाँ से अपना एड्रेस चूज़ कर लेना है। आपको ने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जहाँ पर आप लोकेशन हो आपका लोकेशन आ जाएगा और फिर यहाँ से आपने सेलेक्ट एड्रेस, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने नीचे स्टैंडिंग शिपिंग फ्री लिखा होगा, आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको नीचे पेज कर लेना है और फिर यहाँ से आपने अपना जो कॉन्टेक्ट नेम होगा आपने वो इंटर कर लेना है। नेम इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है और फिर यहाँ से आपने प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा पे ऑन डिलीवरी, आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने शो होगा कि आपको कितने पैसे बाद में देने होंगे, वो शो रहा होगा। तो फिर यहाँ से आपने ऑर्डर नाउ पे लेटर पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा, दिस इज़ ऑसम, यू आर शिपमेंट इज़ कम्प्लीटेड। अब आपका ऑर्डर हो गया है तो अब आपने यहाँ से ट्रैक का ऑर्डर, आपके सामने ट्रैक का ऑर्डर शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने जो आपने ऑर्डर किया है वो शो हो रहा होगा, ये ऑर्डर के नंबर हैं,
जो आपके सामने शो हो रहे होंगे, और नीचे आपके सामने शो हो रहा होगा कि आपको कितना डेटा मिलेगा, कितने मिनट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसे ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हो और एक दिन के अंदर ये आपको सिम डिलीवर करेगा और इसे एक्टिवेट भी करके देगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।